Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Now, do you know in ENV which unit is going on? Unit number 3 and the name is Games and Recreation, right? So, in this unit, we were reading about recreation. Recreation is what? Some activities we do for refreshment, right? So, this is called recreation, or we can say our hobbies. So, our hobbies can be reading, singing, dancing, watching movie. So, if you do all these activities in your daily routine time or you have spare time, so that is called recreation, right? And games can be of, you can play in your house and you can play in the ground. So, this is we will say indoor games and outdoor games, right? And we all know that some games is रूल्स विदाउट रूल्स वी कैन नॉट प्ले द गेम. आपने देखा होगा कि कोई गेम्स खेलते हैं, कोई टीम होती है तो उसमें रूल्स होते हैं, वरना क्या हो जाता है, चीटिंग करते हैं, झगड़े होते हैं कि नहीं ये तो ऐसा था तो ऐसा था. सो फॉर दैट वी हैव रूल्स. सो टूडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट रूल्स फॉर प्लेइंग गेम्स. सी एवरी गेम हैज इट्स ओन रूल्स. सभी गेम्स को रूल्स तो होते ही है. Before playing a game, we must ensure that each player knows the rules. And if you are playing the game, so you have to know the rules. अगर आप खेल रहे हो, आपको रूल पता ही नहीं है, तो क्या होगा? आपको अच्छे से गेम नहीं खेल पाओगे, है ना? तो गेम खेलने से पहले कोई भी गेम है, you have to know about the rules. Afterwards, playing according to the rules, avoid confusion and fights. See, if you don't know the rules, then what will happen? Confusion, then fighting will be also happen in the between players. Players ke between fight hoga, so game ka maza hi kharab ho jayega. Games to hum relaxation ke liye khelte hai. Aur usme hi agar confusion, tension ho gaya to, isi liye rules hote hai. ओके रूल्स इसलिए रखे जाते हैं, किस लिए? अवॉइड कंफ्यूजन एंड फाइट. इट मेंटेन्स द स्पिरिट ऑफ द गेम. और वो गेम की जो स्पिरिट होती है वो मेंटेन करते हैं. समटाइम्स व्हाइल प्लेइंग अ गेम वी मे फील दैट वी आर बीइंग चीटेड और द अदर पर्सन इज प्लेइंग अनफेयर. ये तो सबके साथ हुआ होगा. When we play, at that time we feel that other person is cheating with us. कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला हमसे cheating कर रहा है, unfair कर रहा है. The result in the argument with our playmates. और result क्या होगा? हम हमारे playmate को argument करते हैं, no, तुमने ऐसा किया. वो अपने तरीके से right होगा, because ऐसा भी हो सकता है कि उसको रूल नहीं पता है इसलिए वो ऐसे चीटिंग कर रहा है, या तो ऐसा भी होता है कि वी डोंट नो द रूल्स दैट्स व्हाई वी आर थिंकिंग लाइक दैट. सम कंफ्यूजन ओवर द रूल्स ऑफ द गेम और मूव्स कैन आल्सो कॉज अ हार्टेड डिस्कशन, राइट? सम कंफ्यूजन ओवर द रूल्स ऑफ द गेम. और कुछ कंफ्यूजन होती है गेम्स के रूल की, और मूव्स कैन आल्सो कोज अ हैटेड डिस्कशन. और वो डिस्कशन कैसी होती है? जो हमें पसंद ही ना हो, वेरी बैड डिस्कशन, राइट? इन सच केसेस इट इज एडवाइजेबल टू सीक हेल्प फ्रॉम द स्पोर्ट्स टीचर और एन एल्डर. और कभी कभी क्या होता है कि कोई बिग मैच रखा हुआ है कोई गेम का, जैसे हम जनरली स्ट्रीट में खेलते हैं तब भी ऐसा होता है, बट वहां पे कोई स्पोर्ट्स टीचर नहीं होता, कोई रेफरी नहीं होता. फिर हमारी वो स्ट्रीट की गेम्स होती है ना, वो डिस्कशन में ही चली जाती है, आर्ग्यूमेंट में ही चली जाती है ना. और कोई रूट के चला जाता है, चलो मुझे ये नहीं खेलना है, ऐसा भी होता है. बट जहां पे गेम्स बिग लेवल पे हो, जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है, जो ग्राउंड में खेली जाती हो, मैचेस रखे होते हो, तो उसमें क्या करते हैं? एडवाइस लेते हैं. किसकी? द स्पोर्ट्स टीचर. स्पोर्ट्स टीचर की एडवाइस लेते हैं, या कोई एल्डर हो उसकी एडवाइस लेते हैं. Rather than fighting amongst ourselves, हमें क्या करना चाहिए? Fighting करने की जगह पे हमको किसी की advice लेनी चाहिए. Generally, to avoid such situation, as a referee is appointed for the game.
और गेम्स में कौन होते हैं, रेफरी होते हैं, इट वर्क्स लाइक अंपायर, अंपायर होते हैं ना उसकी तरह वर्क करते हैं, इफ देयर विल बी एनी मिस्टेक और एनी कंफ्यूजन और एनी रूल ब्रेक, सो रेफरी विल इन्फॉर्म, रेफरी है वो इन्फॉर्म करते हैं और उसको सब प्लेयर को देखना भी होता है, इसलिए ऐसा नहीं होता है कि एक ने चीटिंग की या बट चीटिंग करेंगे तो पता चल जाएगा रेफरी को, क्योंकि क्या होता है व्हेन वी प्ले सो वी कैन नॉट कीप वॉच ऑन ऑल द प्लेयर्स, सो देयर इज अ पर्सन हु वॉच द प्लेयर्स एंड द नेम इज रेफरी, वी कॉल्ड रेफरी, ओके, अ रेफरी हैज गुड नॉलेज ऑफ द गेम एंड रेफरी हैज ऑल्सो गुड नॉलेज ऑफ द गेम एंड इट्स रूल, ही नोज द रूल्स, ऑल द रूल्स ऑफ ऑल्सो, ही और शी कैन टेक impartial discussion or decision to ensure that the rules are followed. आई बात समझ में, तो he or she कोई man भी हो सकते है referee, कोई woman भी हो सकती है और वो ऐसा decision लेते हैं impartial, मतलब किसी के favor में नहीं लेते, जो true है जो अच्छा है वही लेते, जैसे court में judge होते वो क्या होता है जो right होता है उसको सभी proof देख के ही फैसला सुनाते हैं, है ना, वैसे ही रेफरी है वो किसी के फेवर में नहीं होता है कि चलो ये मेरा फ्रेंड है तो मैं उसकी साइड बोलूं, ऐसा नहीं होता, इम्पार्शियल होता है, कोई भी पार्शियलिटी नहीं होती है. नाउ नेक्स्ट, गेम्स ब्रिंग अस टुगेदर, ये भी तो अच्छी बात है ना, जब भी हम गेम खेलते हैं तो हम साथ में सबके साथ खेलते हैं, ग्रुप में खेलते हैं, सो वी कैन इंक्रीज आवर फ्रेंड एंड वी कैन बी गुड फ्रेंड्स व्हाइल प्लेइंग द गेम्स, राइट, गेम्स हेल्प टू डेवलप टीम स्पिरिट, कभी कभी क्या होता है कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिसको टीम से मतलब कोई फ्रेंड नहीं होता है या ऐसा कुछ होता है, तो इफ दे प्ले गेम्स सो दे कैन मेक फ्रेंड्स, वेदर We play at school or at home. अगर हम स्कूल में खेलते हैं या घर पे खेलते हैं, but it develop team spirit. Games जो है वो क्या develop करेगा? Team spirit. Now next one. We should include everybody while we play. और हमको सभी को include करना चाहिए जब हम खेलते हैं. कभी कभी आपको पता होगा कि कोई ऐसा बंदा है जो हर बार चीटिंग करता है तो आप बोलते हो नहीं चलो इसको इंक्लूड नहीं करना है, बट ऐसा नहीं होता है, आप स्कूल में खेल रहे हो, इधर यू आर प्लेइंग इन स्कूल और यू आर प्लेइंग एट होम, इंक्लूड एवरीबॉडी दोज हु वांट टू प्ले, जिसको खेलना है उसको इंक्लूड करो, वी कैन टेक टर्न्स व्हाइल प्लेइंग और वी कैन ऑल्सो प्ले टीम गेम्स, एंड इफ यू आर प्लेइंग सो वी कैन टेक टर्न, हम टर्न लेते हैं कि भाई पहले इसका टर्न पहले इसका टर्न ताकि सबका टर्न आए, और वी कैन प्ले इन टीम्स, हम टीम्स में भी खेल सकते हैं ताकि एक टीम है तो उसमें सबका टर्न आएगा ही आएगा, वेयर मोस्ट ऑफ आर फ्रेंड्स कैन प्ले अलोंग, टीम में खेलने से क्या होता है कि वहां पे हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स भी साथ में खेल सकते हैं, वी शुड प्ले विथ ऑल आर फ्रेंड्स, और हमको हमारे सभी फ्रेंड्स के साथ खेलना चाहिए, एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर, और हम सबको कुछ ना कुछ फ्रेंड्स से सीखना चाहिए, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि हमको सभी गेम्स के रूल्स याद नहीं रहते, हमको जो अच्छी लगती है ना उसके रूल्स हम याद रखते हैं, फिर हमारा कोई फ्रेंड होता है उसमें उसको दूसरी गेम के रूल्स याद है तो वो हमको दूसरी गेम्स के बारे में समझाएगा, तो हमें बहुत सारी गेम्स के रूल पता हो जाएंगे और वी कैन प्ले डिफरेंट गेम्स ऑल्सो, राइट. नाउ द नेक्स्ट क्या है, सी आंसर द क्वेश्चंस, ये अभी आपको आपके अपने आप देने हैं, दिस क्वेश्चंस आंसर मे डिफर, राइट, ये सबके अलग अलग होते हैं, नेम अ टीम गेम यू प्ले अलोंग विथ योर नेबरहुड फ्रेंड्स, अभी आपको यहाँ पे कोई भी एक टीम गेम का नाम देना है जो आपके नेबरहुड आपके घर के आसपास के फ्रेंड्स के साथ खेलते हो, ओके, उसका नाम देना है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच टीम, और आपने जो गेम का नाम लिखा है यहाँ पे जो आप खेलते हो उसमें कितने प्लेयर्स थे वो यहाँ पे लिखो, कितने प्लेयर्स जनरली होते हैं, दैट यू हैव टू राइट ओवर हियर,
And the third question is, write any two rules of the game. And you have to write the rules, any two rules. जो आप game खेलते हो ना उसके rules तो होते ही है कुछ न कुछ, तो वो यहाँ पे लिखने हैं. Now see, tick the correct behavior and cross the incorrect behavior during a game. So game में भी कुछ होता है ना, कोई correct behavior होता है, कोई incorrect behavior means good behavior or bad behavior. See the first one, we should play an unfair game and not follow rules. ये good behavior है? No. तो यहाँ पे आपको cross करना है. Now the next is, we should not hurt or push anyone or use bad language. Yes. If you are playing, so intentionally हमें किसी को hurt नहीं करना चाहिए, किसी को push भी नहीं करना चाहिए और bad language भी बोलनी नहीं चाहिए. That is right. The final decision of the referee must be accepted. और game में referee होते हैं, right? तो वो जो final decision ले उसको accept करना चाहिए. Yes, ये भी एक अच्छी बात है. We should never congratulate the winning team. हमको कभी भी हमारी टीम जो जीती है, दूसरी टीम, उसे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करना चाहिए. नो, भले ही हम हारे हो, हमारे सामने वाली टीम जीत गई है, बट उसको हमें कॉन्ग्रेचुलेट करना ही चाहिए. सो ये रॉन्ग हो गया. यहाँ पे क्या लिखा है, वी शुड नेवर, हमको कभी करना ही नहीं चाहिए. नाउ सी, वी शुड सॉल्व द प्रॉब्लम बाय फाइटिंग अगेंस्ट आवर सेल्फ एंड नॉट कंप्लेन टू द रेफरी. ऐसा होता है कि हम लोग अंदर अंदर फाइटिंग करके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ले और रेफरी को ना बताए. नो, जो भी प्रॉब्लम है हमें फाइट नहीं करनी चाहिए, वी शुड टेल टू द रेफरी, हमको रेफरी से बोलना चाहिए. सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. नाउ द नेक्स्ट इज, अदर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन. अब देखो, रिक्रिएशन में हमने गेम्स देखा, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, अभी कुछ और भी रिक्रिएशन के वे है, मीन्स है. इमेजिन इफ यू स्पेंट द होल टाइम स्टडिंग. इमेजिन करो कि आप पूरा टाइम पढ़ाई में स्पेंड करते हो. यू डिड नॉट प्ले, तुम खेलते नहीं हो. नो डिड यू गो आउट फॉर अ पिकनिक, कभी भी पिकनिक नहीं जाते हो. और अ फिल्म, मूवी देखने के लिए भी नहीं जाते हो. लाइफ वुड गेट सो डल एंड बोरिंग दैट वे, है ना. तो हमारी लाइफ है वो कैसे हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी. अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग वी डू मैनी अदर एक्टिविटीज टू रिफ्रेश अवर माइंड एंड बॉडी. सो अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग मीन्स नॉट ओनली प्लेइंग, वी डू मैनी अदर एक्टिविटीज, राइट. हमारे माइंड को, बॉडी को रिफ्रेश करने के लिए हम और भी एक्टिविटीज देखते हैं और भी एक्टिविटीज करते हैं. These activities include going for a picnic. Going for a picnic also included in recreation. To an amusement park, ये भी आप बहुत जाते होगे. Amusement park में क्या होता है, different different rides होती है और आप rides पे बैठ के मजे लेते हो. To the zoo, zoo में जाना, और a film, और to a circus. Okay, so these are also the part of refreshment. It is not games. बट क्या है, इससे आपको मजा आता है. आपकी, आप जो पूरा दिन स्टडी में टाइम निकालते हो, उससे अच्छा है कि आप कुछ न्यू कर रहे हो, तो आपका माइंड भी फ्रेश होगा, आपको मजा भी आएगा. लेट्स सी व्हाट समीर डज फॉर रिक्रिएशन. और यहाँ पे एक समीर है, उसको हम देखते हैं कि वो क्या करता है फॉर रिक्रिएशन. लेट्स सी. नाउ सी, फन एट द सर्कस. सर्कस में फन. सी, अपोलो सर्कस वॉज इन टाउन. टाउन में एक अपोलो सर्कस आया था. समीर हैड नेवर बीन टू अ सर्कस. और समीर है ना, कभी भी सर्कस में गया ही नहीं था. ही वॉज ईगर टू फाइंड आउट वॉट हैपन्स एट द सर्कस. और वो बहुत ही ईगर था, वो बहुत ही राह देख रहा था कि सर्कस में क्या होता है. His parents took him to the circus one evening. और एक इवनिंग में उसको उसके पेरेंट्स है वो सर्कस में लेके गए. There was a huge colorful tent.
और वहां पे एक बहुत ही बड़ा कलरफुल टेंट था डेकोरेटेड विथ ब्राइट लाइट्स। और किससे डेकोरेट था? ब्राइट लाइट से, बहुत ही बड़ा सा टेंट। आपने भी देखा होगा कि जब सर्कस आता है तो वो टेंट में से ही टेंट होता है, टेंट में पूरा ऐसे सेट खड़ा करते हैं, है ना। लॉट्स ऑफ पीपल वेर ऑलरेडी सिटिंग इन साइड द टेंट, और बहुत सारे लोग है वो ऑलरेडी टेंट के अंदर बैठे थे। द रिंग मास्टर एंटर्ड द रिंग एंड वेलकम्ड एवरी वन। और रिंग मास्टर था वो रिंग में आया और उसने सबको वेलकम किया। देन कम द क्लाउन बाउंसिंग डांसिंग एंड जगलिंग सेवरल कलरफुल बॉल। और वहां उसमें क्या होते है, जोकर्स होते है, क्लाउन्स होते है, वो क्या करते है, डांसिंग करते है, बाउंस होते है, जगलिंग। सो सी हियर दिस मैन इज जगलिंग, इसको जगलिंग बोलते है, राइट। सेवरल कलरफुल बॉल्स एट द सेम टाइम ही मेड फनी फेसेस, और वो उसके फनी फनी फेसेस बनाता है। एंड सेड फनी थिंग्स, और फनी थिंग्स बोलता है। पीपल लाफ्ड एट हिज जोक्स, और पीपल है वो उसके जोक्स पे हंसते है। सडनली ऑल द पीपल वर एब्सोल्यूटली साइलेंट, एकदम चुप हो गए। सडनली हार्डली अ साउंड कुड बी हर्ड, साउंड भी हमको हार्डली ही सुनाई दे रहा था। एवरी वन वॉज वेटिंग एंड वॉचिंग, और सभी है वो वेट कर रहे थे और वॉच कर रहे थे। स्पोर्ट्स लाइट्स स्लोली फोकस्ड ऑन अ मैन क्लाइंबिंग अ रोप लैडर ऑन टू अ ट्रेपीज, ओके। और सडनली स्पोर्ट लाइट है ना वो देखो इन लोगों के ऊपर चली गई। और क्या हो रहा था, अ मैन क्लाइंबिंग रोप लैडर, और रोप की सीढ़ी होती है ना उसको क्लाइंब कर रहा था। रोप लैडर ऑन टू अ ट्रेपीज, ट्रेपीज में जाने के लिए, आई बात समझ में। सो व्हाट इज ट्रेपीज, ट्रेपीज क्या होते है पता है, ये एक हॉरिजॉन्टल आपको लकड़ी दिख रही है, हॉरिजॉन्टल बार अटैच्ड विथ दिस रोप, रोप के साथ अटैच किया हुआ ये बार होता है। वी से दैट अ स्विंग, उसको झूला बोलते है ना, दैट इज कॉल्ड अ ट्रेपीज, आई बात समझ में। ही सैट स्विंगिंग स्लोली, और वो स्लोली स्विंग करते सेट हुआ। वेल अनदर मैन क्लाइम ऑन टू अनदर ट्रेपीज फार अवे इन द सर्कस टेंट, और फिर दूसरा मैन भी था वो क्लाइम करते हुए ट्रेपीज पे आया बहुत दूर। सर्कस का जो टेंट था एक साइड और दूसरे साइड, तो वैसे दूसरी साइड भी वो आया। नाउ वन ऑफ द एक्रोबेट हंग डाउन फ्रॉम हिज ट्रेपीज, और उसमें से एक एक्रोबेट था ना वो नीचे ऐसे लटक गया उसकी ट्रेपीज से। हाई अबोव द ग्राउंड, और ग्राउंड के ऊपर, जैसे ये लोग नहीं लटकते हैं ट्रेपीज के ऊपर लटक जाते हैं, फिर हमको तो डर लगता है कि ये गिर ना जाए। उसके बाद क्या हुआ, सी हाई अबोव द ग्राउंड हिज लेग्स पुश्ड बैक एंड फोर्थ एज ही स्वंग फास्टर एंड हायर, और ये क्या कर रहा था, स्विंगिंग कर रहा था, ऐसे झूला झूल रहा था इस टाइप से उसके लेग्स ऐसे रखते। देन ही लेट गो, ही वर्ल्ड थ्रू द एयर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब होता है क्विक मूवमेंट, राउंड एंड राउंड, कोई भी आप मूवमेंट ले रहे हो। सो ही वॉज ऑल्सो टेकिंग द मूवमेंट इन द एयर, वो एयर में ही ऐसे राउंड एंड राउंड मूव कर रहा था। On where traps it, right? Doing one some sort. What we were doing? Doing one somersault. Then another. The people gasped. Some covered their eyes, afraid to look. Then a child yelled, "He made it! He made it!" Okay. समरसॉल्ट का मतलब क्या होता है, ऐसे लटकना। एक एक्रोबेट है वो ऐसे लटक जाता है जिसका हेड नीचे और लेग ऊपर, सो दैट इज कॉल्ड अ समरसॉल्ट, ओके। सो यू माइट ऑल्सो हैव सीन दिस टाइप ऑफ सर्कस, आप लोगों ने भी ऐसे सर्कस देखे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट वो लोग एक्टिविटीज करते हैं, राइट। ट्रेपीज में होते हैं, ट्रेपीज होता है, फिर
बाइक राइडिंग भी होती है, साइकिल होती है, बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं और वो हम लोगों को एकदम अच्छे से मजा आता है देखने का, है ना। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड यूनिट नंबर 3। यू ऑल्सो रीड द यूनिट केयरफुली, अच्छे से इस यूनिट को रीड करो एंड वॉट यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू राइट बाय योरसेल्फ। अंडरस्टैंड। थैंक यू।